पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज सारठ में जनसभा और दुमका में प्रेस वार्ता संबोधित करेंगे। अर्जुन मुंडा सुबह देवघर जिले के सारठ स्थित हरिपुर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं दोपहर को अर्जुन मुंडा दुमका स्थित होटल सुविधा में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ झरिया से जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए दूसरे चरण का जो वोटिंग है वो परसों यानी 20 तारीख को होना है और उसके लिए तैयारियों में सभी प्रत्याशी जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार का जो शोर है वो दो दिन बाद थम जाएगा, उसके पहले जो सभी दल हैं, जो सभी पार्टियां हैं, पूरे दमखम के साथ लगी हुई है, वोटरों को लुभाने की कोशिश में जारी है और बस ये लास्ट दो दिन है। आप जहां मौजूद है वहां किस तरह से जो समीकरण है वो देखा जा सकता है और किस तरह से प्रत्याशी वोटर्स को लुभाने में लगे? बिल्कुल रिचुति, देखिए अब महत कुछ घंटे ही बज गए, यानी कि कल शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा दूसरे चरण का। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे, अगर हम बात करें धनबाद के जो 6 विधानसभा सीट है, 6 विधानसभा में प्रत्याशी जो है लगातार गांव से लेकर शहर तक पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बात करें झरिया विधानसभा की तो वर्तमान में पूर्णिमा नीरज सिंह वहाँ से विधायक है कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी ने रागिनी सिंह को प्रत्याशी बनाया और इस बार जो झरिया विधानसभा की जनता है वो रागिनी सिंह के पक्ष में नजर आ रही है। क्योंकि कल मैं शाम के वक्त झरिया के आसपास था तो वहाँ लोग का ये मन कहना है कि इस बार हम लोग प्रत्याशी बदलेंगे, चूंकि पार्टी बदलेंगे और पिछली बार हम लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया, इस बार हम लोग पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रागिनी सिंह को समर्थन करेंगे। ये तो वक्त बताएगा रिचुति कि कौन प्रत्याशी को कब कौन सपोर्ट करता है, लेकिन जिस तरीके से अंतिम चरण में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े जितने दिग्गज नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं और आज भी एक बड़ा जनसभा बरवड्डा के सन्यासी मैदान में होगा जहाँ जगत प्रकाश नड्डा सभी प्रत्याशी वहाँ मौजूद रहेंगे, सभी प्रत्याशी के लिए वोट करने की अपील करेंगे। जिस तरीके से इससे पहले अगर हम बात करें तो हेमंता विश्व शर्मा या फिर मिथुन चक्रवर्ती लगातार इन क्षेत्रों में कोलियांचल में बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं वो घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मतदाता है उन्हें लुभाने में लगे हुए, मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में मत दीजिए और सरकार को बदलना है इस बार, क्योंकि जनता भी इस बार मूड बना लिए कि सरकार को बदलना है। ये तो वक्त पता चलेगा, वक्त आएगा तब पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना समर्थन दिया। लेकिन जो समीकरण अगर हम बात करें झरिया की या फिर सिंदरी की या फिर धनबाद की, तीनों जो विधानसभा सीट है जहां हम मूव कर रहे हैं, जहां गांव से लेकर शहर तक हम जा रहे हैं, वहां पे लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान में धनबाद के विधायक है रासीना का कार्यकाल से वो बहुत लोग खुश है। उनका कहना है कि भाई बहुत सरल है, कभी भी उपलब्ध हो जाते हैं, रात के 2 बजे अगर आप उसको उनको फ़ोन करते हैं तो रात के 2 बजे आपके पास पहुँच जाएंगे। लेकिन झरिया की जनता इस बार पूरी तरीके से मूड चेंज में है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो झरिया की जो समस्या है, पानी की समस्या है, विस्थापन है समस्या या फिर कहें ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा है, उसको निजात दिलाने के लिए लोग परिवर्तन के मूड में है कि झारखंड सरकार अगर हम बात करें पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से लूट भय भ्रष्टाचार का आलम जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है उसको कहीं ना कहीं लोग में रोष है और लोग परिवर्तन के मूड में है। अगर वहीं हम दूसरी ओर बात करें कि इंडिया गठबंधन की ओर से आज जो अजय दुबे है उसके पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने तेजस्वी यादव आएंगे, लगातार जो अजय दुबे भी वो भी लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहें कि जिस तरीके से लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आ रहा है वैसा समर्थन अन्य दल को साथ नहीं आ रहा। लेकिन अब तो 20 तारीख को मतदान हो रहा है, अब एक तरह से कहें कुछ घंटे ही बज गए, कल शाम 5 बजे शोर थम जाएगा, उसके बाद लोग डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, उसके बाद बूथ मैनेजमेंट लग जाएंगे। देखिए कहा जाता है कि जिसका सबसे मजबूत बूथ होता है वो ही पार्टी जीतती है, वही प्रत्याशी जीतता है, तो कल के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगातार जो प्रत्याशी है वो घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। देखना होगा कि वोटर्स को लुभाने में कौन सी पार्टी असफल हो पाती है, किन के पक्ष में वोट जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात। और चुनावी शोर थमने से पहले सभी पार्टियां जोर शोर से लगी हुई है प्रचार प्रसार में और वोटर्स को लुभाने की कोशिश जारी है। स्टार प्रचारकों का लगातार झारखंड दौरा, आज भी
जेपी नड्डा की सभा, हेमंता बिश्व शर्मा लगातार सभाएं कर रहे हैं, पीएम मोदी का झारखंड दौरा कई बार, लगातार स्टार प्रचारकों का दौरा जो है वो झारखंड में देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर्स को लुभाने की पूरी पूरी कोशिश, सभी पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं। किसकी जोर आजमाइश कामयाब होती है ये देखने वाली बात होगी। 23 तारीख को रिजल्ट्स हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।